नमस्कार, मैं हरि नारायण कुमार। फ्रेंड, एक नोटिस आया हुआ है जो आपने विगत तीन या चार दिन आपको हो गया, क्योंकि 23 सितंबर 2023 से ये समस्या आ रही थी आधार सत्यापन विफल का। ये क्यों हो रहा था? ये टेक्निकल जो खराबी थी उसके कारण, और मैंने एक ऑडियो भी आपको सुनाया था, जो कस्टमर केयर से बात हुआ था वो भी बताया गया तकनीकी खामियाजा है, इसको तुरंत दूर किया जाएगा। ये आवश्यक सूचना है, मैं आपको इस पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। जैसे आवश्यक सूचना यहाँ पे दिया गया है कि आधार सत्यापन के दौरान, यानी जब वहाँ पे आधार सत्यापन वेरिफिकेशन होता है, उसके दरमियान आवेदकों को होने वाली समस्या की जानकारी प्राप्त हुई है। इसके निराकरण, यानी इसको कैसे समाधान किया जाए, इसके निराकरण के लिए संबंधित प्राधिकार से समन्वय कर समाधान का प्रयास जारी है। इसका मतलब हुआ कि अब जो तकनीकी जो खराबी आ रही है उसको ठीक किया जा रहा है, इसलिए अभी वहाँ पे फॉर्म आपको अप्लाई नहीं होगा। जब आप अप्लाई करते होंगे कुछ सर्किट सा घूम घूम के और कुछ समय बाद वहाँ पे लिखता होगा कुछ गलत हुआ, बाद में पुनः प्रयास करें। ये वो इसीलिए लिख रहा है कि अभी उसको जाइए पूरा छोड़ दीजिए, अभी इसमें अलग से अभी इसको प्रयास किया जा रहा है, इसको ठीक किया जा रहा है। समस्या का समाधान जैसे हो प्राप्त होगा वो होते ही उद्यमी पोर्टल पर जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी। तो ये आवश्यक जो नोटिफिकेशन है ऑफिशियल वेबसाइट पर सूचना करके वहाँ पर दिया गया है। जब सूचना पर जाएंगे तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करने के बाद इसको आप रीड करेंगे। ये दिया गया है कि आधार सत्यापन के दरमियान आवेदकों को होने वाली समस्या किस जानकारी प्राप्त हुई है, यानी इसको अब जा करके डिपार्टमेंट को, यानी आपको जो भी समस्याएं हो रही थी डिपार्टमेंट को पता चल गया है, अब इसको निराकरण का जो समाधान का जारी है इसको ठीक किया जा रहा है। अब जब ही समस्या का निदान हो जाएगा तो ऑफिशियली आपको अनाउंसमेंट भी किया जाएगा, नहीं तो आप जब सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे साइट अच्छा से काम करने लगेगा। अब कुछ लोगों के बात में आ रहा है कि भाई आप तो ये तीन दिन हम जैसे 23, 24, 25, 26 यानी चार दिन हम लोग का टाइम जो बर्बाद हुआ है, ये कैसे भरपाई होगा, डेट आगे बढ़ेगा क्या? तो इस पर मैं मॉर्निंग वाले वीडियो में मैं बात करूंगा। और अभी मैं इतना मैं कहना चाहूंगा 90% चांस है, क्योंकि मैंने सभी जगह प्रयास किया है और लेटर भी अपने स्तर से मैंने सभी जगह मैंने दे दिया, जहां जहां मुझे फट लगाना था मैंने सभी प्रयास किया है। और ये ताकि मेरा यही मानना था कि कम से कम ये लोगों को पता ही नहीं चल रहा है, और इसीलिए मैंने डिपार्टमेंट को सब जगह मैंने लेटर भी लिखा है, पत्र भी लिखा है इसके बारे में कि आधार सत्यापन विफल के बारे में। और पर्सनली मैंने आप लोगों से भी कहा था कि जो लोग जागरूक है थोड़ा मेल करने आता है आप डिपार्टमेंट को मेल कीजिए, आप लोग भी की होइएगा। ये श्रेय आप लोगों का जाता है, मुझे कोई श्रेय में मुझे नहीं लेना है, बस हमें काम से काम लेना है, बस हो गया। अब इसमें क्या है कि 90% है कि डेट बढ़ेगा, डेट के लिए कुछ लोग कह रहे थे कि सर ट्विटर कंप्लेन कीजिए, ये सब मैं आप लोगों का सभी बात को मैं मान रहा हूँ, लेकिन अभी भाई आपके हित के लिए मैं हूँ, इसलिए ट्विटर कंपनी सब करने की कोई आपको आवश्यकता नहीं है। आपको जब निदान हो गया है ना, अब देखिए ना, क्योंकि प्रीवियस ईयर में ये 30 दिन का था और इस बार 15 दिन है, अब 15 दिन में 4 दिन गैप चला गया, मात्र 11 दिन है, 11 दिन में कैसे होगा? तो इसलिए ये मैं तो 100% तो नहीं कर सकता, क्योंकि 100% कर दूंगा मुझे ही थोड़ी करना है। 90% है कि डेट आगे बढ़ेगा, और विशेष करके मैं मॉर्निंग वाली वीडियो में मैं विशेष मैं चर्चा करूंगा। तो अभी आप लोग कुछ नहीं करना है, डिपार्टमेंट को आपका जो समस्या है था वो चला गया है, अभी ये इसका निदान हो रहा है। जो भी निदान होगा आपका सर्वर जो है काम करने लगेगा, और सर्वर थोड़ा जो 5 बजे के करीब में आया हुआ था थोड़ा देर, उसमें फिर जो है बैड सर्वर डाउन बैड एरर कुछ करके आ रहा था, उसके बाद कुछ का रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है, थोड़ा ही देर में आपका ये सर्वर डाउन हो गया है। तो इसलिए आप लोग धैर्य बनाए रखें, और जो ही डेट उट सब बढ़ेगा भाई, आपके हित में चाहे ट्विटर कंपनी करना हो कुछ भी करना हो, हरि नारायण आपको जिंदाबाद है, और आपको सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। थैंक यू, धन्यवाद। तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर आप उद्यमी योजना का फॉर्म भरवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का जो कांटेक्ट नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या इसी वीडियो के जो कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर पिन कर दिया जाएगा। फॉर्म भरवाने के लिए, उद्यमी योजना का फॉर्म भरवाने के लिए आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और आपका एक भी मिस्टेक नहीं होगा, 100% आपका काम हो जाएगा। और जब आप आज मान लेते हैं कि फॉर्म आप देंगे का
हम रिसीविंग सब चीज़ दे देंगे। जो भी डॉक्यूमेंट आपका लगेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उतना डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, उस व्हाट्सएप नंबर पे आपको कॉल नहीं करनी है, क्योंकि अब यहाँ पे बहुत सारा काम हमको रहता है, आप कॉल हम करके आप डिस्टर्ब करेंगे, तो इसीलिए मैं अपना जो कॉन्टेक्ट नंबर किसी को नहीं देता हूँ। तो ये फोनपे गूगल पे है और व्हाट्सएप नंबर उसी नंबर से चलाया जाता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उद्यम योजना का फॉर्म भरवाने के लिए आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं हरि नारायण कुमार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप इस प्रकार के कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए बीएसटी ऑल।